हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, अमित चौधरी और शिव त्यागी। अमित चौधरी आपको बताएं रामपुर से हैं और शिव त्यागी का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अमित चौधरी का रुख कर लेते हैं। अमित, वहां पर क्या आप देख रहे हैं अब तक, क्योंकि 5 बज चुके हैं, वोटिंग परसेंटेज कैसा रहा है, कैसा उत्साह वहां पर देखने को मिला है, क्योंकि रामपुर इस बार दिलचस्प सीट बन गई थी जयप्रदा और आजम खां की वजह से। देखिए दीपाली, जो वोटर्स हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिला और आज सुबह से ही जो वोटर्स की कतारें हैं वो लगी मिली थी। अभी भी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं सेफई में मौजूद हूँ जो मुलायम सिंह का पैतृक गांव है, वहीं के लोग हैं। काफ़ी उत्साह इन लोगों में देखने को मिला। आप ये बताइए किस आधार पर आप वोट डाल रहे हैं, विकास के आधार पर किस नाम पर वोट डाल रहे हैं? पहले तो हम जनतंत्र टीवी के लोगों को, सभी टीम को बधाई देता हूँ जो सेफई जैसे गाँव में सुबह से जो कवर कर रहे हैं, इसके लिए हम बार बार बधाई देते हैं। अब हम लोग सब विकास के नाम पे वोट डाल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था मंच से, मायावती भी मंच पे थी, गठबंधन हुआ कि आखिरी चुनाव है मेरा, इमोशनल भी एक अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, वो कितना फैक्टर काम कर रहा है? नहीं नहीं, नेताजी को तो यहाँ सारे लोग मानते हैं, सैफई के आसपास नेताजी का तो नाम है, नाम ही बहुत है। उन तो कहीं पर्चा भर दें, नेताजी के नाम पर बहुत वोट पड़ता है और नेताजी के नाम पर सारे लोग, नेताजी तो यहाँ के लोगों के भगवान हैं एक तरह से, एक भगवान जिसने किसी को देखा नहीं और एक भगवान ये है, नेताजी साक्षात भगवान है यहाँ के लोगों के लिए। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, आप बताइए किस आधार पर आप वोट डाल रहे हैं 2019 में, किस तरीके का नेता, किस तरीके का विकास ही है? विकास के लिए नेताजी ने बहुत किया है और उनके नाम से हम डाल रहे हैं यहाँ वोट। बाकी जो पार्टी हैं, बीजेपी हो या अन्य पार्टियाँ हो, उनका किस तरीके का रवैया यहाँ पर रहा है समाजवादी पार्टी को छोड़ कर अगर बात करें? हम सब विकास के नाम पे वोट डाल रहे हैं और सारी जनता हमारी समाजवादी मुलायम सिंह यादव के साथ है और हमेशा साथ रहेगी। और बीजेपी ने जितने झूठे वादे किए सब जनता में उनकी पोल खुल गई है और जनता समझ चुकी है कि सब झूठे हैं और ये कुछ नहीं करेंगे, इसलिए पुनः जनता अब एकदम सामूहिक होकर के, संगठित होकर के फिर समाजवादी पार्टी के साथ एकत्रित हो गई है और विकास के साथ साथ है। आप बताओ स्कूल और शिक्षा की क्या स्थिति है यहाँ पर, जो कॉलेज हैं स्कूल हैं, कहीं बाहर जाना पड़ता है, यहीं पे पढ़ाई हो जाती है? देखिए हमारे सैफई में तो यूनिवर्सिटी कॉलेज है और यहाँ भी कॉलेज हैं बहुत सारे, पास में ही कॉलेज है एक, और यहाँ शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ। दीपाली, ये सैफई के लोगों की राय थी जो साफ तौर पर मुलायम सिंह यादव को अपना भगवान कहकर संबोधित कर रहे थे, और एक तरफा अगर मैनपुरी की बात की जाए तो आज सुबह से जो रुझान है वोटर्स का, वो साफ तौर पर बोलते हुए कहते हुए तमाम वोटर दिखे कि उनका वोट मुलायम सिंह यादव को होगा, क्योंकि सेफई और मैनपुरी को विकास उन्होंने काफ़ी दिया। और मैनपुरी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, पिछले काफ़ी समय से लगातार समाजवादी पार्टी का यहां पर कब्जा है। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने जब इस सीट को छोड़ा था तो उनके बहुत तेज प्रताप मोदी लहर के बावजूद भी एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी। तो इस पूरी बेल्ट की अगर बात की जाए, सेफई की बात की जाए, मैनपुरी की बात की जाए, फिरोजाबाद की, रामपुर की, यहाँ पर समाजवादी का गढ़ माना जा रहा है। और इस जो 10 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव हो रहा है, अखिलेश यादव भी आज यहाँ आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बड़ी जीत जो है गठबंधन वो दर्ज करेगा तीसरे चरण में भी, पहले और दूसरे चरण की तरह।